केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की सभी जनता को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए पिछले कुछ सालों से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के दो चरण पहले हो चुके हैं पूरे, तो नवंबर में इस योजना के तीसरे चरण की भी शुरुआत होने वाली है। जहां एक ओर इस योजना को लेकर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष पार्टी यानी भाजपा इस योजना को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। योजना के शुरू होने से पहले ही राज्य में सियासत गर्म होती दिख रही है। बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत राज्य के गांव-गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निष्पादन किया जाता है, उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाता है। आगामी 15 नवंबर यानी झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के दिन से ही झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। इस बार एक नए संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो भी समस्याएं आएंगी, संबंधित पदाधिकारियों को उन्हें एक सप्ताह के टाइमलाइन के अंदर ही समाधान करने के निर्देश मिल चुके हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के बारे में झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह इस सरकार में ही मुमकिन है कि लोगों के अधिकारियों के दफ्तर से चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सरकार ही उनके द्वारा जाती है। उन्होंने बताया कि इसका बेहतर रिस्पॉन्स मिला है और अब तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, तो वह भी एक सप्ताह की टाइमलाइन के साथ, यानी जो भी कार्यक्रम होंगे उस दौरान जितनी भी शिकायतें आएंगी उसका निवारण एक सप्ताह के अंदर करना है। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर झारखंड भाजपा ने हेमंत सोरेन की सरकार को घेरे में ले लिया है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार की इस योजना पर तंज कसते हुए कहा कि जनता कह रही है कि बहुत हो गया, झूठ और मक्कार, इस बार दिखाएंगे बाहर का द्वार। प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता कह रही है मुख्यमंत्री आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ शिकायतों की रिसीविंग मिल जाती है। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक पार्टियों के बीच गहमा गहमी की स्थिति बनी रहती है, जो देखने को मिलती है। लोकसभा चुनाव आने में अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने काम गिनवाने के साथ साथ दूसरी पार्टियों की नाकामयाबी खूब गिनवाने में लगी रहती हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।